नमस्कार। इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है किसान भाई, जानेंगे अगले 24 घंटे के दौरान आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा, आपके जिले का मौसम में कुछ बदलाव होने की संभावना है या फिर नहीं, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे। किसान भाई, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाई, 9 व 10 फरवरी के दौरान एक पहाड़ों पर ताजा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिस कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम हिस्सों में किसान भाई काफी जगहों पर बारिश व बर्फबारी होने की संभावना। लेकिन राजस्थान की बात करें तो किसान भाई कुछ जगहों पर बादल वही छाया जैसा कुछ है, बादलों की आवाज वही रह सकती है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी राजस्थान में नहीं बन रही है, क्योंकि बारिश का योग अभी नहीं बन रहा है, जिस वजह से राजस्थान का मौसम बिल्कुल साफ महसूस है। क्योंकि किसान भाई दक्षिणी पश्चिम में कुछ जगहों पर तेज हवा चलने की संभावना है, उस दौरान किसान भाई काफी जगहों पर तेज हवा चलने की संभावना है। साथ ही 13 व 14 फरवरी को दौरान पहाड़ों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ गुजरने की संभावना है, उस दौरान भी किसान भाई बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, इन तमाम हिस्सों में किसान भाई बादलों की कई जगहों पर देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश जैसी फिलहाल तो कुछ गतिविधियां राजस्थान तक सीमित नहीं लग रही है। किसान भाई, आने वाले समय में राजस्थान का मौसम किस प्रकार रहेगा? लगभग 15 फरवरी तक राजस्थान का मौसम किसान भाई ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 15 फरवरी के बाद कोई अगर नया मौसमी सिस्टम बनता है तो उसके बारे में किसान भाई समय रहते आपको मौसम की तरफ से नई अपडेट आएगी, समय रहते आपको सही जानकारी देंगे। और 16 जनवरी को भी किसान भाई अधिकतर राजस्थान के कई इलाकों में छाया वाला बादलवाई का मौसम बना रहेगा, कई जगहों पर दोपहर के वक्त घनी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश जैसी फिलहाल कुछ गतिविधियां नहीं नजर आ गई। समय रहते कोई मौसमी सिस्टम बनेगा और कुछ बारिश की कुछ गतिविधियां होगी तो किसान भाई समय रहता आपको मौसम की ताजा अपडेट हमेशा की तरह मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को आज अभी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मौसम की ताजा आपको समाचार रोजाना डेली मिल सके। धन्यवाद।